अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे। अच्छा तो दोस्तों, आज मैं ये बीमार मुर्गियों के बारे में बात करूँगा। ये जो गर्मियों में ज़्यादातर ये होता है, और ये समाध जो है नीचे का ये चेंज ना करने की वजह से मुर्गियाँ जो है ज़्यादातर बीमार हो जाती हैं, सुस्त हो जाती है। ये भी हमारे पास जो है सारी मुर्गियाँ बीमार हैं और बहुत ही सुस्त हो गई है। ना दाना खा रही है, ना पानी पी रही है, बहुत ज़्यादा ये सुस्त हो गई है। तो मैं अभी आपको एक ऐसा मेडिसिन है वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। अगर आपकी मुर्गियाँ भी अगर इसी तरह की है तो आप इस्तेमाल करवाएं, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैंने पहले भी इस्तेमाल करवाया था। तो ये जो मेरे पास मेडिसिन है इसका नाम है विटफोकल, और ये जो विटामिन के लिए इस्तेमाल होता है। इसको जो है 10 ml जो है 20 लीटर के डब्बे में डालना होता है, और हमारे पास जो डब्बा है ये 10 लीटर का है, इसमें हम 5 ml करके डालेंगे। आप इसे चम्मच से भी डाल सकते हैं 1 टीस्पून, लेकिन हम लोग इसको सिरिंज से डालेंगे। जो इसका तरीक़ेकार है उसी हिसाब से हम इसको देंगे, और इसका रिज़ल्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका रिज़ल्ट किस तरह है, क्योंकि इसके पहले भी मैंने वीडियो बनाई थी। ये जो है अभी आप देखिए किस तरह ये सिरिंज से मैं निकाल रहा हूँ। ये अभी मैं फ़िलहाल 8 ml लूँगा, और 4 ml और 4 ml इसमें, 4 ml हम मतलब 4 ml करके सब में डाल दूँगा मैं, क्योंकि ये पानी का डब्बा जो है हम इसको फुल नहीं भरेंगे, इसको हम 1-2 लीटर पानी कम भरेंगे। मुर्गियाँ कम है हमारे पास इस वजह से। फिर इसको इस्तेमाल करवाना है 3 से 4 दिन। इसका रिज़ल्ट जो है आपको 2 दिन के अंदर ही नज़र आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा टाइम इसको नहीं लगता है। ये दवाई बहुत ही ज़्यादा मुफीद है, ये गोश्त के लिए भी सही है, और जो है विटामिन वगैरह के लिए भी ये बहुत बेहतरीन है। ये मेडिसिन ये हर पोल्ट्री के जगह पे मिल जाता है, जहाँ पे भी पोल्ट्री की दवाइयाँ मिलती हैं। तो ये तो फिर ये देखें दोस्तों, ये आज 2 दिन के बाद रिज़ल्ट आपके सामने है। किस तरह देखें, मुर्गियाँ माशाल्लाह बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त, और भाग रही हैं, इधर उधर दाना चुग रही हैं, पानी पी रही है, हर चीज़ एकदम ओके। तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप जो है सुस्त यानी गर्मी के वजह से जो मुर्गियाँ ज़्यादा बीमार हो जाती है, दाना वगैरह इस्तेमाल नहीं करती है, उसको आप ये वाला मेडिसिन इस्तेमाल करवाएँ। तो मिलते फिर अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।